हे गाइज, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा फाइनली पार्थर्ड का जो बीएससी का जो रिजल्ट है फाइनली वो भी जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कैसे आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्थर्ड का रिजल्ट आपको डाउनलोड करना है, कैसे अपने मार्कशीट को देखना है, तमाम सारे अपडेट आज के इस वीडियो में कवरअप करेंगे। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। प्लस जो भी सारे पीजी के एडमिशन के प्रोसेस होते हैं सारे पीजी के एडमिशन इस चैनल के द्वारा कवरअप किया जाएगा, तो इसके लिए जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जानते हैं प्रोसेस को। इसके लिए सबसे सिंपल सा प्रोसेस क्या करना है, आपको गूगल पर आपके आकर के टाइप कीजिएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का लॉगो मिलेगा, आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के इस पोर्टल पर क्लिक करते हैं आपको पेज देखने को कुछ इस प्रकार का मिलता है। यहाँ से देखने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, आपको ऊपर में रिजल्ट का सेक्शन मिल जाएगा। रिजल्ट के सेक्शन पर क्लिक करके आप रिजल्ट वाले वेबसाइट पर डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो सकते हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्टली नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से आने के बाद आपको क्लिक करना है एडमिशन एंड एग्जामिनेशन वाले इस सेक्शन पर, यानी एडमिशन एंड एग्जामिनेशन का जो इस सेक्शन है आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आने के बाद आप आ जाइएगा फिल एग्जामिनेशन फॉर्म वाले पे। फिल एग्जामिनेशन फॉर्म पे जैसे ही आपको क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड मिलता है, आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एग्जामिनेशन रिजल्ट, आपको क्या करना है एग्जामिनेशन रिजल्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एग्जामिनेशन रिजल्ट पे क्लिक करते हैं आपको एग्जामिनेशन वाले रिजल्ट वाले इस पोर्टल पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसका लिंक मैं शॉर्टली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाकर के रीडायरेक्ट हो सकते हैं। या फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपको सेशन चूज करना है 2022 एंड इसके बाद आपको चूज करना है एग्जाम टाइप, ऑटोमेटिकली रेगुलर में सिलेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको कोर्स देना है, कोर्स में दीजिएगा बीएससी ऑनर्स, और इसके बाद आपको क्या करना है अपना रोल नंबर देना है एंड यहाँ पे अपना फादर एंड मदर का नेम, एंड इसके बाद क्या करना है सो। तो जैसे ही आप यहाँ के तमाम सारे डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप करते हैं तो आपका मार्कशीट क्या कर जाएगा, यहाँ पे शो कर जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है पाटलिपुत्र पार्थर्ड रिजल्ट को डाउनलोड करने का। तो इस सिंपल से प्रोसीजर से क्या कर सकते हैं, आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पार्थर्ड के रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नहीं पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को इन करते हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।